IVM. नानी देखो मेरी नई स्कूल यूनिफॉर्म। अब मैं बड़ी क्लास में आ गई ना, इसलिए मैं अब ट्यूनिक नहीं, स्कर्ट ब्लाउज और टाई पहनकर स्कूल जाऊंगी। अच्छा, अरे तेरी टाई देखकर तो मुझे रोहित जासूस की याद आ गई। हाँ, रोहित जासूस कौन है? तुझे नहीं पता? नहीं। चल तुझे सुनाऊं रोहित जासूस की कहानी, सुनेगी? अरे वाह, ये भी कोई पूछने वाली बात है, रोहित जासूस की कहानी। मम्मा हम फर्स्ट आए, रोहित चिल्लाता हुआ घर में घुसा। पता है हमारे नाटक पर कितनी तालियां बजी, देखो मुझे सर्टिफिकेट भी मिला। रोहित एक सांस में बोलता चला गया। सब टीचर्स कह रही थी मैं तो सचमुच का ऑफिसर लग रहा था। शाबाश मेरा बच्चा, ये हुई ना बात, कहकर मम्मा ने उसे गले लगाया। फिर झट से अपना फोन लेकर आई। माँ बेटे ने सर्टिफिकेट के साथ सेल्फी खींची और पापा को भेजी। उस तस्वीर में मस्ती कैसे शामिल नहीं होता? मस्ती परिवार का नया सदस्य था। वह झबरे बाल वाला एक प्यारा सा कुत्ता था जो कि अभी 2 महीने का हो गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि घर में कुछ भी हो जिसमें मस्ती पूरे शोर गुल के साथ शामिल न हो। रोहित जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, हम दादी माँ को खबर सुना कर आते हैं, मम्मी ने आवाज लगाई। रोहित अपने कमरे में गया, बैग जमीन पर पटका, शर्ट पैंट कोट टाई सब उतार कर बिस्तर पर फेंके, जूते मोजे पलंग के नीचे पांव से धकेले, जीन्स पहनी और टी शर्ट गले में डाल बाहों में फंसाता भागा। उसे दादी माँ को अपनी खबर सुनानी थी। वैसे भी वह स्कूल के बाद नाश्ता तो दादी माँ के साथ ही करता था, इसीलिए उसने अपने खेलने वाले जूते क्रिकेट बैट फुटबॉल आदि सब दादी माँ के घर में रखे थे। दादी माँ चाचा के साथ नीचे के घर में रहती थी, रोहित उसकी मम्मा पापा और अब मस्ती ऊपर के घर में रहते थे। सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा था जो दिन भर खुला रहता था और शाम को उसे दादी माँ अपनी तरफ से बंद कर लेती थी। दादी माँ ने रोहित का सर्टिफिकेट देखा, उसे प्यार किया और उसे दूध के साथ केक खिलाया। इतने में उसके दोस्त फुटबॉल खेलने के लिए बुलाने लगे और वो पार्क भाग गया। उसका सूट टाई आदि तो अभी तक बिस्तर पर ही पड़ा होगा। मम्मा तो अपनी चीजें जगह पर रखने के लिए बोल बोल कर थक गई थी। कहती थी तेरी चीजें मैं नहीं संभालूंगी, अगर जगह पर नहीं रखी तो तुझे ही नहीं मिलेगी, फिर मुझसे मत कहना ये ढूंढ दो और वो कहाँ है। जब शाम को रोहित कमरे में वापस लौटा तो बिस्तर पर कोट था, शर्ट थी, पैंट थी, पर टाई गायब। रोहित का दिल बैठ गया। वह टाई तो उसने चाचा से केवल नाटक के लिए मांगी थी। चाचा ने उससे वादा करवाया था कि वह उसे संभाल कर रखेगा। उनकी वह सबसे प्रिय टाई थी और अब वो गायब थी। टाई आखिर गई तो गई कहाँ? रोहित ने बहुत दिमाग लगाया। उसने सोचा, मैं तो रंगा जासूस की इतनी किताबें पढ़ता हूँ, इस टाई को तो मैं खोज जरूर सकता हूँ। जब तक टाई नहीं मिलती मैं रोहित जासूस हूँ, ढिंटड़ा। अब रोहित ने रोहित जासूस सोच रहा था। जब बस में था तो टाई गले में थी, जब गेट में घुसा तो टाई फंसी भी थी, जब मम्मा ने गले लगाया तो टाई से गला भिजा था, सेल्फी भी टाई के साथ ही खींची थी, जब बिस्तर पर फेंकी तो ख्याल भी आया था कि चाचा की टाई है, फेंकनी नहीं चाहिए, उन्हें लौटानी है। मतलब टाई गायब हुई इसके बाद, और गायब तो वही कर सकता है जो घर में हो। अब रोहित जासूस पता करेगा कि यह किसकी करतूत है। रोहित जासूस ने सबसे पहले एक लिस्ट बनाई उन लोगों की जो इस बीच घर आए थे। शक
उन सब पर है। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था मम्मा का। यह तो आसान था। कमरे से ही आवाज लगाई, मम्मा तुमने वो लाल टाई देखी है क्या जो चाचा से ली थी? नहीं तो, उधर कमरे में तूने ही तो उतारी थी, वही होगी। मम्मा का नाम तो लिस्ट में से काटना ही पड़ेगा। मम्मा न तो टाई पहनेंगी न वे उसके कमरे में आएंगे। उनसे अधिक पूछताछ की तो डांट ही मिलेगी। जब वह खेलने गया तब पापा ऑफिस से आ गए थे। पापा तो रोज टाई लगाकर ऑफिस जाते हैं, हो सकता है उन्होंने वह टाई ले ली हो। पापा से ऐसी बात पूछने में डर लगा। रोहित ने सोचा, ऐसे में रंगा जासूस क्या करता? बस उसे आइडिया आ गया। मौका देखा, पापा मम्मा दोनों टीवी देख रहे थे। रोहित उनके कमरे में दबे पांव गया और पापा की अलमारी खोली। वहां पर तो हर चीज सलीके से जगह पर रखी थी। सारी टाइयां अपनी ड्रॉर में थी, उनमें बहुत टटोला, पर चाचा की टाई तो वहां नहीं थी। पापा का नाम भी लिस्ट से काटना पड़ा। बचे दादी माँ और चाचा। ये दोनों किसी भी समय घर में आ सकते हैं और किसी भी कमरे में जा सकते हैं। दादी माँ तो टाई का क्या करेंगी, पर चाचा हो सकते हैं, क्योंकि उनकी ही तो टाई थी। वे ले गए होंगे, पर वे आज टेनिस खेलने गए होंगे। दादी माँ पता नहीं जागी भी होंगी या नहीं, तो फिर ये कैसे पता किया जाए? उनके घर की तलाशी लेकर, और कैसे? यही तो जासूसों का काम होता है। रोहित जासूस ने अपनी छोटी लेजर टॉर्च निकाली, चुपचाप सीढ़ियां उतरा और नीचे के घर पहुंचा। दादी माँ ने दरवाजा बंद कर लिया था। रोहित को मालूम था कि दादी माँ खिड़की खोल कर सोती हैं। रोहित उनकी खिड़की की ओर बढ़ा। सररर, ये क्या आवाज थी? उसका दिल धड़कने लगा। अरे ये तो उसके पांवों तले बगीचे के पेड़ों के गिरे सूखे पत्ते बोल रहे थे। अंधेरा था। रोहित को अंधेरे में थोड़ा डर तो लगता था, मगर उसके साथ टॉर्च थी। अचानक हवा चली और रोहित की चीख निकल गई। टॉर्च उसके हाथ से छूट गई। उसके टी शर्ट के अंदर कुछ गया। हिम्मत की, हाथ से टटोला तो देखा नीम के पेड़ की एक सूखी हुई निम्बोली थी। थत, जासूस ऐसे थोड़ी डरते हैं, उसने अपना मन पक्का किया। दादी माँ की खिड़की खुली थी। उस खिड़की से चढ़कर अंदर कूदने का तो रोहित को बहुत अभ्यास था। वह चुपचाप अंदर कूदा। दादी माँ पूजा कर रही थी। उन्हें अगर आवाज आई भी होगी तो वे पूजा से नहीं उठी। वे जानती थी कि रोहित ही उस रास्ते घर में आता है। रोहित सीधा चाचा के कमरे में गया। उसने सारे में ढूंढ मचाई, परंतु टाई नहीं मिली। ओहो, अब क्या करूं? कल जब चाचा उससे अपनी टाई मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगा? भारी कदमों से वह अपने घर लौटा। अब तो उसने चुप चाप जासूसी करने का विचार भी छोड़ दिया था। सोचा था कि मम्मा को सारी बात बता देगा। एक बार वो डांटेंगी, जरूर डांटेंगी, परंतु कुछ न कुछ हल तो निकाल ही लेंगी। घर में घुसा तो मम्मा की आवाज सुनाई दी। मस्ती से कह रही थी, क्या मस्ती, तू भी कैसा बुद्धू है। घर भर की चप्पलें जूते तो तूने अपनी टोकरी में रख लिए, अब खुद टोकरी के बाहर सो रहा है। मस्ती अपनी टोकरी से बाहर शर्मिंदा सा मुंह छुपा रहा था। जब से उसके सोने के लिए टोकरी आई है, वह बहुत चोरी छुपे जहां कोई चप्पल या जूता दिखे उसे संभाल कर टोकरी में रखाता है, और टोकरी भर जाती है तो खुद ठंडी जमीन पर सोता है। फिर मम्मा से डांट पड़ती है तो बहुत शर्मिंदा होता है। जब कोई हंसता है तो शर्म के मारे पलंग के नीचे दुबक जाता है। उसका यही तमाशा चल रहा था। अपनी परेशानियां भूलकर रोहित भी ये तमाशा देखने गया। मस्ती की टोकरी से निकले रोहित का एक काला जूता,
मम्मा की घर में पहनने की चप्पलें और कुछ लाल लाल थोड़ी गुच्चड़ मुच्चड़। रोहित को वो लाल क्या है समझने में देर नहीं लगी। रोहित जासूस को चाचा की लाल टाई मिल गई थी, थोड़ी मुसी हुई, थोड़ी मैली सी, पर थी तो वो चाचा की टाई ही। वह टाई लेकर कमरे से भागा, पीछे पीछे मस्ती भी भागा। उसे लगा ये कोई नया खेल है। बाहर से चाचा की बाइक की आवाज आई। दादी माँ ने बाहर की लाइट जलाई। रोहित ने चाचा को गेट में घुसते देखा तो ऊपर बालकनी से ही आवाज लगाई, चाचा आज नाटक में हमारी क्लास को इनाम मिल गया और आपकी टाई खोई भी नहीं। चाचा ने बड़ी सी मुस्कान के साथ ऊपर देखा और कहा, अरे जिस नाटक में हमारा रोहित हो उस नाटक को तो जीतना ही था, शाबाश हीरो। अच्छा मगर टाई खोने की क्या बात हो रही है? रंगा जासूस ऐसी बातों का जवाब थोड़ी देता, तो रोहित जासूस क्यों दे? वह तो तेजी से अंदर भाग गया। कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर अब तुम सोचो कि चाचा ने रोहित की कहानी सुनकर क्या कहा होगा। सोचो सोचो। अच्छा एक बात तुम्हें मालूम है, सभी कुत्ते कोई ना कोई ऐसा स्थान ढूंढ लेते हैं जहाँ वे अपनी पसंद की चीजें छुपाते हैं। उनकी यह आदत शायद तब से चली आ रही है जब कुत्तों को जंगल में अपना भोजन छुपा कर रखना होता था। Excuse me भैया, excuse me। बोलिए मैडम। मेन्यू में क्या है? मेन्यू में सीन अनसीन है, पॉडकास्ट है, ऑनकोर्स है, साइरस है, मेड इन इंडिया, रीडिस्कवरी प्रोजेक्ट, एम्पावरिंग सीरीज, सेक्स वेक्स है, आईवीएम लाइक्स है, सिंप्लीफाइड है, कीपिंग इट क्वियर है, टिंग्स एंड डेस्टिनेशन है, माय नेबर ज़करबर्ग है और द फैन गैराज है। आपको क्या चाहिए? एक बार रिपीट कर देंगे क्या? रिपीट नहीं करता हम, आप जाओ आईवीएमपॉडकास्ट.com पे और सुनो ये सब, या फिर डाउनलोड करो उनका ऐप, सब आपकी उंगलियों पे।